पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में रंगभरी एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्व है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है, पर रंगभरी एकादशी पूरे साल की एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो जानते हैं दोस्तों कि रंगभरी एकादशी भगवान शिव को क्यों समर्पित है और इसकी पूजा विधि और इसके शुभ मुहूर्त क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों जानते हैं पहले कि रंगभरी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। रंगभरी एकादशी का आरंभ 13 मार्च सुबह 10:21 से शुरू होकर 14 मार्च सुबह 12:05 तक रहेगा और इसकी पूजन का शुभ मुहूर्त 12:05 से दोपहर 12:50 तक है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी है जो सुबह 6:30 से ही शुरू हो जाएगी और रात्रि 10:05 तक है। वहीं इस दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़ रही है। पुष्य नक्षत्र पड़ने कारण यह दिन और भी शुभ हो गई है। रंगभरी एकादशी को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ गौना कराकर काशी लौटे थे। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प लें और एक लोटे जल भरकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा पंचोपचार विधि से करें और उन पर अबीर गुलाल लगाने के बाद भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, इसलिए रंगभरी एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति के सेहत और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है दोस्तों कि अगर इस दिन अन्नपूर्णा माता की सोने या चांदी की मूर्ति के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही शुभ रहती है और ऐसी उस दिन परंपरा है कि माता अन्नपूर्णा का दर्शन जरूर करना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।